एवरीवन, मैं रानू कश्यप कुछ देखते हैं यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और दशहरा का बहुत ही आनंद ले रहे होंगे, बहुत मज़े से ज़ोर ज़ोर से। आज हम लोग हैं भीतर रहनी रश्म के लिए बस्तर दशहरा, ऐतिहासिक दशहरा के लिए। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे चारों तरफ रथ को सजाया गया है, राजमहल को सुंदर तरीके से सजाया गया है। और यहाँ पे पूरा शहर में लोगों का जनसैलाब है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। और भीतर रानी रश्म में रथ को सारे पूरे शहर में घुमाकर राजमहल और दंतेश्वरी मंदिर के सामने लाके एक भीतर की ओर खींचते हुए ले जाया जाता है, इसलिए भीतर रानी का रश्म है। इसमें रथ खींचने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बहुत बड़ा रथ है और खींचने के लिए चारों तरफ रस्सियों से लोग खींचते खींचते राजा के घर के सामने लेके जाते हैं। तो देख पा रहे होंगे ये काफ़ी बड़ी रथ है और लोग मज़े से दशहरा का आनंद ले रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये वीडियो देख के मज़ा आएगा अगर आप लोग बाहर से हैं तो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अब रथ में से सीढ़ी लगाया गया है और रथ में विराजमान जितने भी लोग थे इन रस्मों से संबंधित सभी लोग बारी बारी से अब सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। रथ जो है राजा घर यानी कि राजमहल के सामने खड़ी है और लोग बारी बारी से सीढ़ी से उतरेंगे। और ये हमारा ये भीतर रहने का रस्म जो है वो संपन्न होती है राजमहल के सामने, यानी कि भीतर की ओर लाके रथ को रखा गया है। आप लोग अपना राय ज़रूर रखिएगा भीतर रहने के रस्म को लेकर, बस्तर दशहरा को लेकर। आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। यूँ ही हमारा वीडियो देखते रहिए, बस्तर का दशहरा का आनंद लीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।